असलम आज मैं अपने व्यवर्स के लिए लेके आई हूँ चिकन ब्रेड रोल्स आ, बहुत मज़े के बनते हैं आप जैसे देख रहे हैं अभी इस वक्त ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे और जैसे बेकरी से आप लोग लेके आते हैं तहजीब वगैरह या कोई भी अच्छी बेकरी से जो ब्रेड रोल लाए जाते हैं वो थोड़े सॉगी हो गए होते हैं लेकिन टेस्ट में अच्छे होते हैं लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा चलें सबसे पहले जो है ना हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं आप कढ़ाई लें उसके अंदर आपने जो है ना आधा एक प्याज डाल लेना है छोटा सा प्याज मैंने लिया था आधा सा वो आपने ऑयल डाला उसके बाद आपने इसमें प्याज डाल दिए अब आप इसे थोड़ा सा साटे कर लें आपने इसको अच्छे से पका लेना आ, जब आपको लगे कि अच्छा थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं या थोड़े से गल गए इनका कलर बदल गया है तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी इंग्रेडिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे इसको हमने बहुत ब्राउन नहीं करना ठीक है अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन चिकन ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है श्रेड हुआ हुआ है एक कप मैंने चिकन डाला है इसमें और मैं अब इसे अच्छे से सौटे कर रही हूँ जब ये मुझे लगेगा थोड़ा सा सॉटे हो गया तो फिर मैं इसमें ना स्पाइसेस डाल दूंगी जो मैंने डालने हैं सबसे पहले तो मैं इसमें बंद गोभी डालूँगी आपने और भी वेजिटेबल्स अगर डालने हो तो आप डाल सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जायका जो है ना खाली बंद गोभी का आता है आप बंद गोभी डालें मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला है फिर मैंने इसमें वन टीस्पून ब्लैक पेपर डाली है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाली है रेड चिलीज और अब मैं इसमें जो है डालने लगी हूँ सोया सॉस और विनेगर अभी सिरका डाला है सिरका भी आप तकरीबन डालेंगे वन टेबल स्पून और आप इसमें डालेंगे सोया सॉस जो आप डालेंगे तकरीबन वन टी स्पून इनाफ होगी क्योंकि हमने नमक भी डाला हुआ है अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब थोड़ा सा जो है ना बंद गोभी को हमने गलाना है कि बंद गोभी हमारी थोड़ी सी गल जाए क्योंकि बिल्कुल खड़ी हुई जो है अच्छी नहीं लगेगी ठीक है आप जब इसे थोड़ा सा सोटे कर लेंगे तो फिर इसमें आपने ना केचप डालनी है मैं डाल रही हूँ मिर्चल्स की चिली गार्लिक सॉस क्योंकि मेरे घर में पसंद की जाता है थोड़ा सा स्पाइसी और उससे अच्छा टेस्ट आता है लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप चिली गार्लिक सॉस के बजाय खाली रेगुलर टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं उसको डालने के बाद आप इसको दोबारा से अच्छे से हिलाएं इसको पकाएं बहुत ही बेहतरीन बनेंगे सब पसंद करेंगे हाँ इवन अगर आप उन खातान में से हैं जो फ्रोज़न आइटम बेचना चाहती हैं सेल करना चाहती हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा आइडिया है अगर वो फॉर टाइम पीरियड के लिए या लिमिटेड टाइम के लिए जैसे करना चाहती हैं कि वो फ्रोज़न आइटम रमज़ान के लिए बेचें तो वो ये पहले से बना के स्टॉक कर सकती हैं फ्रीज भी हो सकता है बहुत ही अच्छी रेसिपी है अब आप क्या करेंगे कि आप ब्रेड लें ब्रेड का स्लाइस लें चारों साइडों से जो है उसकी साइड्स हैं वो काट लेंगे और फिर इसको मैंने बेलन से जो है ना हल्का हल्का बेल लिया था फ्रेश अगर आपकी ब्रेड होगी ना तो बहुत ही जल्दी ये सीधा पतला सा हो जाएगा अगर आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं है लेट से थोड़ी सी हार्ड हो गई है तो आप हल्का सा पानी लगा दें अपनी ब्रेड को पानी लगा के आप स्लाइस प्रेस करेंगे ना तो बिल्कुल पतला सा एक लेयर बन जाएगी अब हम इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग डालने के बाद ना आपने इसको लगाना है अंडा दोनों साइड पे अंडा लगा लें अच्छे से एग वॉश लगा लें उसके बाद ना आप इसको बहुत एहतियात के साथ रोल कर लें रोल करने के बाद जो है हम इसको करेंगे अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ब्रेड क्रम्स दो तरह के मिलते हैं घर में भी आप बना सकते हैं लेकिन क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है तो ह्यूमिडिटी की वजह से ना क्रिस्प नहीं होता तो आप एक आते हैं पेंको के ब्रेड क्रम्स वो बहुत ही अच्छा क्रिस्प देंगे अगर आप रेगुलर वो लेंगे तो वो बहुत ही थोड़ी देर बाद सॉगी हो जाएंगे लेकिन जो पेंको के ये ब्रेड क्रम्स होते हैं ये इतनी जल्दी जो है सॉगी नहीं होते ये बहुत क्रिस्पी रहेंगे आपके ये आप देख लें इस तरह से मैंने कर लिया अब मैं इसको कढ़ाई गरम कर लें ऑयल गरम करें और उसमें आप इसमें डालें और फ्राई करें इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करें आप जैसे आप लाई करते हैं उस हिसाब से आप इसको कर लें क्योंकि मोस्टली सब चीज़ें तो पकी हुई हैं इसमें कच्चापन तो है नहीं तो आप ना ये फ्रोज़न है बिल्कुल फ़्रेश में बना रही हूँ आप फ्रीज हुए भी बनाएंगे तो भी ऐसे ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे अब आप, आप इसे हल्का सा हल्का हिलाएँ थोड़ी सी साइड चेंज कर लें फिर अपनी मर्ज़ी से जो आपका कलर आपको पसंद है उस तरह की बस आप लोग लुक करके तो आराम से कढ़ाई से निकाल लें नैपकिन रखें ताकि कोई इतना ऑयल ये ऐसे अब्जॉर्ब नहीं करता लेकिन अगर करें तो आप नैपकिन पर निकालें वो बिल्कुल बेहतरीन करके निकल आएँगे ये लीजिए बेहतरीन ब्रेड रोज तैयार हो गए हैं आप सब ज़रूर खाएं इंजॉय करें घर वालों को खिलाएं बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करें फ्रोज़न आइटम सेल करना चाहती हैं मेरी फैलो फीमेल्स तो वो भी कर सकती हैं बहुत ही अच्छा आइडिया है डू लाइक एंड सब्सक्राइब फूड वन ओ वन थैंक यू सो मच